जिस किसी दिन को भी राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर मनाया जाता है उस दिन का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। आज एक ऐसा ही दिन है जिसे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस माने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कहा जाता है। अब आप कहेंगे बौद्धिक संपदा क्या है, इसे इस दिन के रूप में क्यों मनाते हैं, तो फिर आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बौद्धिक संपदा माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिमाग की रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र आईपी कानून में संरक्षित हैं। उदाहरण के लिए पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। नवोन्मेषकों के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाकर आईपी प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मकता और नवाचार फल फूल सके। इस उद्देश्य के साथ यह दिन मनाया जाता है ताकि बौद्धिक संपदा का विस्तार हो, उसे प्रोत्साहन मिले। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस थीम 2023, आपको बता दें कि बौद्धिक संपदा दिवस की थीम महिला और आईपी, नवाचार और रचनात्मकताओं में तेजी लाना माने वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी रखी गई है। इस थीम के साथ आज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना राष्ट्रीय अल्जीरियाई औद्योगिक संपत्ति संस्थान माने INAPI के महानिदेशक द्वारा शुरू की गई थी। यह दिन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के बारे में जागरूकता पैदा करता है। ये कानून और पंजीकरण है जो रचनाकारों और नव प्रवर्तकों के मूल कार्य की रक्षा करते हैं। इसमें लेखक, कलाकार, आविष्कारक और ब्रांड शामिल हो सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि रचनाकारों के पास अपने काम का अधिकार है। बौद्धिक संपदा नियम अधिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। मूल कार्य की चोरी को रोकने के लिए बौद्धिक संपदा नियमों का होना महत्वपूर्ण है। इस धारणा को बढ़ावा देने के लिए कि रचनाकारों के पास अपने आविष्कारों का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए, बौद्धिक संपदा की चोरी से हर साल अमेरिका को करीब $225 अरब से $600 अरब का नुकसान होता है। ये नियम रचनाकारों और देश को आर्थिक रूप से खोने से बचाने में मदद करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसे अलग अलग तरीकों से देखा जाता है क्योंकि लोगों के पास विभिन्न बौद्धिक गुण होते हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं। ये घटनाएं सभी प्रकार के मूल कार्यों को प्रदर्शित करती हैं जो अगली पीढ़ी को सोचने और बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। रचनात्मकता वह शक्ति है जो समाजों के आधुनिकीकरण और विकास की ओर ले जाती है। नवाचार हमारे जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।